बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार आज एक ऐसे सुपरस्टार बन चुके हैं जो जिस भी फिल्म में काम करते हैं उसका बॉक्स ऑफिस पर हिट होना तो तय माना जाता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि अक्षय हमेशा से ही फिल्म इंडस्ट्री में अपने स्ट्रिक्ट और बैलेंस रूटीन के लिए जाने जाते हैं, टाइम से खाना, सोना, काम वगैरह वगैरह। लेकिन आज भी अक्षय आम लोगों की तरह घर पर वापस जाकर क्या करते हैं, इससे आज तक उनके फैंस भी अनजान हैं। और उनकी यही आदत उनके घर वालों की भी अब दुश्मन बन चुकी है। ऐसे में अक्षय की सबसे बुरी आदत के बारे में खुद अक्षय ने किया एक शो में खुलासा, जिसका एक थ्रोबैक वीडियो अब जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल इस वीडियो में अक्षय ने अपनी उस बुरी आदत के बारे में बताते हुए कहा, मैं काम खत्म करने के बाद 6:30 बजे घर पर आता हूँ और अपना पजामा पहनता हूँ और स्पोर्ट्स देखना शुरू कर देता हूँ। अक्षय कुमार ने अपने वीडियो में बताया कि उनकी सबसे बुरी आदत है घर आने के बाद मैच देखना शुरू कर देना। यही नहीं, अक्षय ने वो किस्सा भी शेयर किया जिसमें वो अपनी वाइफ ट्विंकल के बुक लॉन्चिंग के वक्त मौजूद थे और फिर अक्षय ने वहाँ जो किया वो आप खुद ही सुन लीजिए। जब सब लोग बुक लॉन्च में बिजी थे तो मैं उस समय भी मैच का स्कोर देखने की कोशिश कर रहा था, अगर ट्विंकल देख लेती तो मुझे मार डालती। यकीनन अक्षय भले ही आज एक सुपरस्टार है लेकिन है तो एक इंजन ही, और हर इंजन को क्रिकेट से कितना लगाव है ये लगता है कि हमें आपको बताने की कतई जरूरत नहीं। और इस समय IPL मैच वैसे ही चल रहे हैं जिसके चलते देश दुनिया उनकी दीवानी हुई जा रही है। खैर बात करें अक्षय के वर्क फ्रंट की तो उनके पास इस समय काफी सारी मूवीज है और हाल ही में अक्षय ने अपनी हॉरर कॉमेडी फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब का ट्रेलर और सॉन्ग बुर्ज खलीफा रिलीज किया जिसे फैंस का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। और जल्द ये फिल्म दिवाली पर बम फोड़ने आ रही है जिसके लिए फैंस बेहद एक्साइटेड है। अगर आप भी इस फिल्म के लिए एक्साइटेड तो जवाब जरूर शेयर कीजिएगा अपना नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में।